हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माय फोटोग्राफी चैनल में। दोस्तों आज हम आए हैं गार्डन में और बहुत बढ़िया गार्डन है यहाँ पे। बहुत से फोटोशूट हमने यहाँ पे किए हैं, प्री वेडिंग के फोटोशूट किए हैं। तो आज के इस विषय में हम देखेंगे कि जो कमेंट्स मुझे जो अभी मैंने देखे कि उसमें बहुत सारे ऐसे कमेंट थे कि सर बेसिक फोटोग्राफी जो सेटिंग रहती है जिसमें हम पोर्ट्रेट निकाल सकते, तो पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में ऐसे कौन सी सेटिंग रखनी चाहिए जो बेसिक है। तो इसी विषय पे हम आज फोटोशूट करेंगे और यहाँ पे हमारे साथ देने आए हैं हमारी मॉडल ईशा। हाय। हाय। तो ये एक्चुअली पूना पूना से है, पिंपरी चिंचवड़ से, और ये बहुत अच्छी मेकअप आर्टिस्ट है। हमारे जो भी वेडिंग की जो भी फंक्शन होते हैं तो हम इन्हें बुलाते हैं, बहुत अच्छे तरह से मेकअप के काम करते हैं। तो इनका जो इंस्टा का आईडी है और फेसबुक का आईडी है आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं, आप इनको फॉलो करो। तो दोस्तों यहाँ पे हम पोर्ट्रेट फोटोशूट करेंगे ईशा का, और यहाँ पे हम सेटिंग एकदम बेसिक रखेंगे, जैसे कि अब ये 6D Mark II कैमरा है और यहाँ पे है किट लेंस। तो अगर आपके पास कोई भी कैमरा रहेगा DSLR में, तो आपको जितनी बड़ी फोकल लेंथ है उतनी बड़ी फोकल लेंथ को आपको यूज़ करना है। जैसे कि अभी यहाँ पे 105 है, तो यहाँ पे मैं 105 पे पूरा यहाँ पे मैंने जूम किया। जूम करने का कारण ये है कि दोस्तों आपको बैकग्राउंड ब्लर अच्छे से मिलेगा, और दूसरी बात सब्जेक्ट मतलब हमारी जो मॉडल है और पीछे का जो भी ऑब्जेक्ट है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 फीट का तो अंतर चाहिए। तो इस वजह से ये फ़ोटो बहुत ही सुंदर आएंगे। और अब अभी हम आगे देखते हैं हमारी जो सेटिंग है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने कैमरे में और यहाँ पे आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने शटर स्पीड कांस्टेंट रखा है 125 का। अगर आपको पोर्ट्रेट फोटोग्राफी करनी है तो आपको जो एपर्चर है 5.6 से लेके 7-8 तक आपको सीमित रखना है। दूसरी बात यहाँ पे ISO है, मैंने 500 का रखा है। और यहाँ पे पिक्चर स्टाइल हमारी न्यूट्रल है, कैल्विन हमने 4900 रखा है। और स्पॉट मीटरिंग, ये स्पॉट मीटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो ये बेसिक सेटिंग हमने आज यहाँ पे रखी है। तो चलिए अभी हम फोटोशूट करते हैं इसी सेटिंग से लेके। यस तो दोस्तों यहाँ पे हमने मॉडल के फ़ोटोशूट किए, दो चार फ़ोटोशूट किए हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जब भी आप पोर्ट्रेट फोटोग्राफी करेंगे तो आपका जो भी मॉडल है उनके आई पे आपको फोकस करना है। तो यहाँ पे स्पॉट मीटरिंग का यूज़ करके मैंने आई पे फोकस किया है। और एक दो तीन फ़ोटोज़ हम अलग अलग पोज से हम लेते हैं, सेम सेटिंग रहेगी हमारी। तो दोस्तों यहाँ पे हमने बेसिक पोर्ट्रेट फोटोग्राफी किस तरह से करते हैं इसके बारे में हमने जो सेटिंग आपको बताई है वो आप एक बार इस्तेमाल करके आप फोटोग्राफी करो। अगर आपके मन में कुछ भी सवाल रहेंगे तो आप हमारे इस वीडियो के कमेंट में लिख सकते हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।